हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको कृष्ण भक्तों के एक बहुत बड़े उत्सव के बारे में बताने जा रही हूँ और वो उत्सव है बिहार पंचमी का, शिवबा के बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव, बिहारी जी का बर्थडे कह लो, है ना। दो लाइंस हमारे बिहारी जी महाराज के चरणों में, बांके बिहारी का नाम लो सहारा मिलेगा, ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा, डूब रही अगर कश्ती मझधार में बिहारी जी के नाम से ही सहारा मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सही कह रही हूं। जब भी हम वृंदावन का नाम लेते हैं ना, तो कृष्ण भक्तों की आंखों के सामने श्री बांके बिहारी जी महाराज की मोहनी सूरत आ जाती है ना। श्री बांके बिहारी लाल जी जो ब्रज है ना, वहां के सबसे लाडले ठाकुर हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना से खुश होकर निधि वन में विक्रम संवत 1563 की मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वयं प्रकट हुए थे। इसी दिन को ब्रज में बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है और ये सच्ची बहुत बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई मूर्ति होती है जिसको एक इंसान कोई बना रहा है ना, उसके अंदर वो पराकाष्ठा नहीं होती है और जो स्वयंभू विग्रह होते हैं, जैसे हमारे बिहारी जी महाराज का है या राधा रमन जी का, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं है, है ना, उनका उनके अंदर वाकई मुझे एक मैजिकल पावर लगती है कि बस सामने उनको देखो और आपको मन में कुछ हो जाएगा। देखना, जो स्वामी हरिदास जी महाराज है ना, वो हमेशा रास और नित्य विहार का दर्शन करते थे। स्वामी हरिदास जी महाराज है ना, बहुत सुंदर पद गाया करते थे। स्वामी हरिदास जी महाराज को राधा रानी की सखी, ललिता सखी का अवतार बताया जाता है और बिहार पंचमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन से सुंदर चांदी के रथ में सवार होकर अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को उनके प्राकट्य की बधाई देने मंदिर, जहां भी मंदिर है ना बांके बिहारी जी का मंदिर, वहां आते हैं। हमारे जो बांके बिहारी जी है उनका प्राकट्य निधिवन में हुआ था और निधिवन ही हमारे हरिदास जी महाराज की साधना स्थली है, है ना। तो फिर क्या होता, भक्तों ने मंदिर बना दिया था तो श्री बांके बिहारी जी महाराज इधर मंदिर में आ गए थे और हमारे हरिदास जी महाराज निधिवन में ही रहे थे। तो इसीलिए हर साल उनके प्राकट्य उत्सव पर जो हरिदास जी महाराज का विग्रह निधिवन में रखा हुआ है उसको यहाँ मंदिर में लेकर आया जाता है और ये बहुत भारी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण भक्तों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा उत्सव का समय होता है। अब देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे मनानी चाहिए। तो देखो, इस दिन को कई लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं, है ना। ये साधक की अपनी इच्छा है वो कैसे करे, पर आप जो भी करें बिहारी जी महाराज की विशेष पूजा जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें या फिर आप भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हो घर में। अगर बिहारी जी महाराज के निमित्त व्रत रखते हो तो 3 पहर व्रत रख कर शाम को पूजा करने के बाद फलहार ले सकते हो। एक और चीज, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन जा पाते हैं। और बिलीव मी, हमारे बहुत जन्मों के पुण्य कर्म जब एक साथ आते हैं ना, तभी हमें ये अवसर मिलता है। बिहार पंचमी को श्री राम सीता विवाह उत्सव या विवाह पंचमी भी होती है, है ना। इसकी एक अलग वीडियो ऑलरेडी चैनल में है। इस तरह भी ये दिन बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी होता है। इस दिन शुभ कामों का साया बहुत तेज होता है। सगाई का, गृह प्रवेश का कोई ना कोई निमंत्रण जरूर से ही आपके पास होगा। इसलिए अगर आप, क्योंकि भाई ये सांसारिक चीजें भी हमें निभानी पड़ती हैं, अगर आप किसी भी वजह से श्रीधाम वृंदावन दर्शनों के लिए नहीं जा पा रहे हो
तो घर पर ही अपने फेवरेट गोपाल जी या शालग्राम जी का बढ़िया अभिषेक करें, बिहारी जी महाराज को याद करते हुए है ना उसी रूप में उनकी पूजा करें, क्योंकि ये रूप अलग हैं बट हैं तो सब एक ही। बढ़िया पूजा सेवा करके धूप दीप जगाएं, बढ़िया पुष्प श्रृंगार करें, नैवेद्य अर्पित करें, और इस दिन है ना छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। जो भी आप भोग अर्पित कर रहे हो वो सब साधकों में बांटे जरूर, उन सबको बताएं कि आज बिहारी जी महाराज का बर्थडे है। अगर हो सके तो घर में आप कथा का, कीर्तन का या कोई नाटक मंचन का इसका आयोजन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या है बिहार पंचमी महोत्सव और वृंदावन में ये क्यों मनाया जाता है इतनी धूमधाम से। तो देखो, बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव। ये दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज प्राकट हुए थे, साथ साथ स्वामी हरिदास जी महाराज की अनन्य भक्ति को भी याद करा जाता है ना, क्योंकि एक भक्त के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने आराध्य को, अपने भगवान को अपने सामने ले आया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राधा कृष्ण का प्रेम तो सभी जानते हैं ना, है ना, और राधा कृष्ण के प्रेम की साक्षात मूर्त है श्री बांके बिहारी जी महाराज का शिव विग्रह। क्योंकि बांके बिहारी जी महाराज में सिर्फ कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण का मिलन है। ये जो मंदिर है ना, ये आस्था और भक्ति का संगम है, और वहां हर कोई जाना चाहता है, हर कोई सिर्फ एक दर्शन की इच्छा रखता है। यहाँ राधा कृष्ण की एक प्रेम रूपी, मैं कहूंगी, गंगा बहती है और हर कोई उस गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। बांके बिहारी जी महाराज की एक और बहुत अद्भुत बात है, शायद आप सबने भी महसूस किया होगा, श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, लेफ्ट में या राइट में, पर ऐसा लगता है जैसे बिहारी जी हमें देख रहे हैं। और मतलब जैसे इतनी भीड़ होती है, कई बार मैं सोचती हूँ कि बिहारी जी आप मुझे देख रहे हो, इतने भक्त हैं उनको भी तो देखो, बट हर भक्त को यही अनुभव हो रहा होता है, और यही हमारे बिहारी जी महाराज की सबसे स्पेशल बात है ना। जिन भी भक्तों को ऐसा एहसास हुआ है ना, प्लीज कमेंट करके बताना जरूर अपना एक्सपीरियंस। अब आपको मैं ना लीला बताती हूँ कि कैसे श्री बांके बिहारी जी महाराज का विग्रह प्रकट हुआ। वृंदावन के ना जो कुंज गलियां है, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हरा भरा क्षेत्र है, उसे हम निधिवन कहते हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना स्थली थी। वो वहीं बैठ के अपने बिहारी जी को, अपने कान्हा को रिझाते थे। इसी स्थान पर, तानपुर की तान पर, स्वामी हरिदास जी महाराज कृष्ण भक्ति की ऐसी अलग जगाई थी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अकबर तानसेन के गुरु संत स्वामी हरिदास जी महाराज का गाना सुनने के लिए खुद से निधिवन में आए थे। बहुत बड़ी बात है। इस गाने को सुनकर सम्राट अकबर ने कहा था कि संगीत की ऐसी साधना उन्होंने कभी कहीं नहीं देखी है। ये संगीत रूह को, अंदर आत्मा तक को छूता है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था, इसीलिए तो अकबर को खुद आना पड़ा निधिवन में। तानसेन ने उन्हें कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे गुरुदेव अपने कृष्ण के अलावा किसी और के लिए नहीं गाते हैं। तो अकबर ने कहा था कि मैं उन्हें आदेश देकर दरबार में बुला सकता हूं, बट तानसेन जी ने उसी समय कह दिया था कि हरिदास जी महाराज मेरे गुरुदेव दरबार में आ तो जाएंगे बट वो गाएंगे नहीं, है ना। तो जब किसी के मन से गाना निकलता है तभी तो सुनने में आनंद आएगा, और इसीलिए अकबर स्वयं से निधिवन में आए थे भेद बदलकर। और जो वृंदावन में श्री कृष्ण की रागथली कहा जाता है निधिवन को, और यही बैठकर वो भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी महाराज जब भी गाने बैठते तो वो प्रभु में ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी महाराज मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करते थे। अब एक बार क्या हुआ, हरिदास जी महाराज के एक शिष्य ने उनसे कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन करते हो,
हमें भी सांवरे सलोने के दर्शन कराओ। अब इसके बाद हरिदास जी महाराज श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी उनके सामने प्रकट हो गई। उन्हें देखकर श्री हरिदास जी महाराज प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। श्री राधा कृष्ण ने हरिदास जी महाराज के पास उनके साथ रहने की इच्छा प्रकट की तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने कान्हा जी को बोला, प्रभु मैं तो संत हूं, आपको तो लंगोट पहनाकर भी रख लूंगा, लेकिन माता के लिए राधा रानी के लिए नित्य आभूषण कहां से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण उनके सामने एक हो गए और एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए। और यही विग्रह है ना, हरिदास जी महाराज ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। श्री बांके बिहारी जी का शिव विग्रह मानव निर्मित नहीं है, वो स्वयं भू है, वो स्वयं प्रकट हुआ है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण की छवि इस कहावत को बताती है कि भक्त के वश में है भगवान, है ना। बांके बिहारी जी के बहुत सारे चमत्कार है जिन पर दिमाग से नहीं दिल से विश्वास होता है। कुछ घटनाएं हम चैनल पर ऑलरेडी डाल रहे हैं। बिहारी जी महाराज की सत्य घटनाओं के लिए हमारा एक और चैनल है श्याम दीवानी स्टोरीज। अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें और बिहारी जी महाराज की सत्य घटनाओं को सुने और अपने मन में भक्ति को ज्यादा बढ़ाए। बिहारी जी महाराज की अजब अलग अनोखी लीलाएं हैं। अच्छा एक और बात, क्या आपको पता है बिहारी जी महाराज के सामने बार बार पर्दा, जो अभी आप जब भी गए होंगे दर्शन करने आपने देखा होगा बार बार पर्दा होता है, पर ऐसा पहले नहीं होता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये होने लगा, है ना। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई बांके बिहारी जी महाराज की छवि को, जो उनका विग्रह है, उन्हें एक तक देखता रहे बिना पलक झपकाए तो भगवान उसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि उसके साथ ही चल देते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के सामने इसीलिए अब थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डाला जाता है जिससे कोई भी उनके साथ नजर ना मिला सके। हमारे बिहारी जी महाराज हैं ही ऐसे बड़े प्यारे, भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अच्छा जो ये श्री बांके बिहारी जी महाराज का विग्रह है ना, इसमें क्योंकि राधा कृष्ण दोनों समाये होते हैं इसीलिए इस विग्रह का दर्शन करने से हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्टों को दूर भी करते हैं। एक भक्त बताते हैं कि वो अश्विन शुक्ल पंचमी को दर्शन करने के लिए आए थे और उनको आंखों से कुछ दिखता नहीं था, तो उनसे एक बाबा ने पूछा कि भाई आप तो देख नहीं सकते हो, फिर बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख सकता पर मेरा लाला तो मुझे देख सकता है, है ना। ऐसा भक्तों का प्रेम विश्वास होता है। अब आपको बताती हूं वृंदावन में कैसे मनाया जाता है बिहार पंचमी का उत्सव। देखो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार पंचमी समस्त ब्रज धाम में जन्माष्टमी के समान ही महत्व रखता है। बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी जी महाराज को पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। बांके बिहारी जी का स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार होता है। बिहार पंचमी के दिन मुख्य उत्सव निधिवन के बिहारी जी के प्राकट्य स्थल अर्थात बांके बिहारी जी मंदिर से शुरू होता है। सुबह सुबह श्री बांके बिहारी जी महाराज का बढ़िया अभिषेक किया जाता है। इस प्रक्रिया में श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रतीकात्मक पद चिन्हों को दूध दही शहद और घी और जल से स्नान करवाया जाता है। ये निधिवन में है। अभिषेक प्रसाद मतलब जो पंचामृत होता है वो भक्तों में बांट दिया जाता है। निधिवन से श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में बैंड बाजे और सजे हुए हाथी घोड़े और बहुत दूर दूर से कीर्तन मंडलियां आकर शामिल होती हैं। शोभा यात्रा का जो नेतृत्व है, जो उसके आगे है, वह स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री विठल जी और श्री गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के तीन रथ आगे आगे चलते हैं। राजभोग दोपहर 12 बजे के समय लगाया जाता है।
शोभा यात्रा वृंदावन के मुख्य बाजारों से होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक आती है। मंदिर के अंदर संतों के विग्रह का स्वागत किया जाता है और उसके बाद बिहारी जी महाराज को राजभोग चढ़ाया जाता है। भक्तों का ये मानना है कि बिहारी जी के इस दिन स्वामी हरिदास जी द्वारा स्वयं अपनी गोद में बैठे भोजन का आनंद लेते हैं, इसीलिए राजभोग आरती के बाद उत्सव के अंत में भक्तों के बीच में प्रसाद भी दिया जाता है। बांके बिहारी जी महाराज को 56 भोग है ना, जो लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है वैसे वो 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि कहना उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी जी के साथ साथ स्वामी हरिदास जी महाराज की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, मैं अपनों से ज्यादा अपने भक्तों को प्रेम करता हूं, तो जो भी हरिदास जी महाराज को प्रेम करते हैं उन्हें बिहारी जी का प्रेम तो अपने आप ही मिल जाता है। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी, जो कर सकते हो, जिस तरह कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, जरूर करना और बिहार पंचमी पे अपने बिहारी जी महाराज को याद करते हुए उत्सव जरूर बनाना। और इसी के साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी और आपका मन बिहारी जी के दर्शनों के लिए व्याकुल भी होगा। उत्सव का दिन है, बहुत धूमधाम से बनाना, साथ ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।